नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 31 अगस्त। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो करेंसी में हमने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखा, जो लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन में ही था, जहां हमने देखा यूएसडी आईएनआर में करीबन 2% के करीब की गिरावट आई। वॉल्यूम भी बढ़ा है, ओआई भी बढ़ा, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है फ्रेश सेलिंग मार्केट में थी, जिसके चलते हमने यूएसडी आईएनआर को 75 के करीब से गिरना चालू हुआ, जो हमने 73.50 पे जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ अभी भी ट्रेंड वीक ही दिखाई दे रहा है यूएसडी आईएनआर में, जिस ढंग से इंटरनेशनल में डॉलर में दबाव है और साथ में डोमेस्टिक मार्केट में फंड इनफ्लो काफी ज्यादा है। हमने करीबन 5,000 मिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट फिर से आते हुए देखा, जो कहीं ना कहीं डॉलर को आने वाले दिनों में और मजबूती दे सकता है। टेक्निकली ओवरसोल्ड है तो मे बी पॉसिबल है ये हफ्ते में 72.80-73 का लेवल दिखाने के बाद एक पुल बैक दिखा दे, बट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म अभी भी यूएसडी आईएनआर में वीकनेस रह सकती है। वहीं यूरो की बात करें तो यूएसडी आईएनआर की गिरावट के चलते चलते यूरो में भी हमने फ्रेश सेलिंग आते हुए देखी, जहां 0.5% की गिरावट थी। पाउंड में भी हमने 0.5% से ज्यादा की गिरावट देखी और येन में भी हमने सरप्राइजली काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा। बट खास करके अगर हम येन की बात करें तो डाउनसाइड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड इसलिए भी है कि डॉलर इंडेक्स में जिस ढंग से गिरावट आ रही है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, बट साथ में यूएसडी आईएनआर में जो फॉल है इसी का रिप्लिका हमने यूरो जीबीपी जेपीवाई डोमेस्टिक मार्केट पे देखा। अभी अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो डॉलर इंडेक्स फिर से 92.25 पे पहुंच चुका है, जिस ढंग से फेड के जो स्पीच थी लास्ट वीक उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ या हम न्यू स्ट्रेटजी जो गवर्नमेंट बना रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि इकोनॉमी में अभी भी दबाव है और इन्फ्लेशन पॉलिसीज में भी जो चेंजेस लाए थे ये कहीं ना कहीं बताता है इकोनॉमी में दबाव है, जिसके चलते सोने और चांदी में एक अच्छा उछाल आया है। डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट आते हुए देखी है, वहीं वीक्स इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट आई है, बट अभी भी कोविड के केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन पहुंच चुकी है, जिसके चलते हमने देखा कि एक गोल्ड सिल्वर में भी एक तेजी है। बट वीक्स की गिरावट के चलते इक्विटी मार्केट में तेजी है और ग्लोबल इक्विटी मार्केट में तेजी है, उसका एक इंफ्लेक्शन हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ती हुई देखेंगे। डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो चाइना से आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अच्छे आए हैं, जापान से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा अच्छा आया है। आज यूएस की अगर बात करें तो यूएस से फिर से एफओएमसी मेंबर क्लाडिया का स्पीच रहेगी, जबकि यूरो जोन से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इतने नहीं है, बट थोड़े बहुत डेटा रहेंगे जो इम्पैक्ट करेंगे। टेक्निकली चार्ट्स की अगर बात करें तो हमने काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद 75 के नीचे हमने इसको यूएसडी आईएनआर को ट्रेड करते हुए देखा और प्राइजेस अब 73.10-73.20 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। थोड़ा बहुत बाउंस मिल सकता है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि 72.80 तक के भी लेवल हम यूएसडी आईएनआर में जल्द देख पाएंगे। वहीं अगर हम ओवरऑल आज के आउटलुक की बात करें तो यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर, इन सब में हमें बेच के चलना है, जबकि जीबीपी आईएनआर में एक बाउंस देखने मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको कमोडिटी से रिलेटेड सभी अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।